brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लेकिन केंद्र स्तर पर पूरे भारत स्तर पर बेरोजगारी है, है, है और इसके पर ध्यान सरकार को देना होगा। धारा 370 हटाने वाला कौन? एनआरसी लाने वाला कौन? तीन तलाक जैसे मुद्दे को समाप्त करने वाला कौन? तो बेरोजगारी भी समाप्त करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री को किया जाए। हम पर तो एनआईए का रेट पड़ गया, हम पर आईबी का रेट पड़ गया, हम पर इंटरफेस का रेट पड़ गया, लेकिन गुरु रहमान बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता है, चाहे सरकार कहीं की हो। अभी सबसे बड़ी जरूरत है बेरोजगारी दूर करने की और महंगाई पर कंट्रोल करने की। राहुल जी से मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मुझे डर नहीं है, आप नरेंद्र मोदी के बराबर नहीं है, लेकिन अगर कहीं मौका दे ही दे तो मैं इतना बुड़बक भी नहीं हूँ कि प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। पाकिस्तान जैसा वित्तीय देश हमको खोदता रहता है, अब औकात है किसी की औकात है? नहीं है। कि जितना देश से प्रेम मुझे है, जितना देश से प्रेम माननीय प्रधानमंत्री को है, उतना ही देश से प्रेम कन्हैया कुमार को भी है। लोकसभा चुनाव की कवरेज आप न्यूज तक पर लगातार देख रहे हैं। इस कड़ी में हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, वो छात्र हो, छात्राएं हो, पॉलिटिशियंस हो, टीचर्स हो, मेंटर्स हो। उसी कड़ी में आज क्योंकि हम पटना में हैं, इसलिए हमारे साथ खास मेहमान हैं गुरु रहमान जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ये बताइए कि पटना का, बिहार का चुनावी माहौल कैसा है? देखिए, चुनावी माहौल के बारे में एक दो बात स्पष्ट रूप से बोले हैं कि जिस तरह का अब तक का, क्योंकि मैं 46 ईयर्स का हो गया और अब तक मैंने जितना भी चुनाव का माहौल देखा था, इस बार माहौल पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि जो उत्तेजना लोगों में होती थी इस बार नहीं है। लेकिन फिर भी एक तो सबके मन में बना हुआ है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और लोग जागरूक तो हैं ही। भले पहले लोग घूम के बोलते थे, चिल्ला के बोलते थे, लेकिन कान में फुसफुसा के ही बोलने की फलाना चीज होने जा रहा, फलाना चीज। नहीं, मतलब ये बात तो सही है फिर कि इस बार चुनाव जो है ठंडा पड़ गया है। हाँ, देश भर में, ना सिर्फ बिहार। नहीं, ठंडा पड़ने का भी बहुत सारा कारण है। हाँ। एक तो टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत टेम्परेचर हाई के कारण बहुत लोग नहीं निकले। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, मैं दधीजी देदान का उपाध्यक्ष हूँ और अपना संपूर्ण शरीर मनोप्राण दान कर दिया है, और इसलिए मेरी फोटो आपको प्रधानमंत्री के साथ भी है, अमित शाह जी के साथ भी है, सबके साथ है। तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या रही है कि बिहार में वैकेंसी आती रही है, वैकेंसी आती रही है, युवाओं की जनसंख्या ज्यादा है, वैकेंसी आती रही है, लेकिन चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, शिक्षक हो, तमाम तरह की परीक्षाओं में क्वेश्चंस भी आउट होते रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों में एक उत्तेजना जो होता है, छात्रों में जो छात्र उत्तेजना का माहौल क्रिएट करते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसे लगे कि चुनावी वातावरण है, तो बच्चे पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन 75% शांत है इस बार चुनाव के लेके। वो सोच रहे वोट दे तो किसको दें, कौन हमारी बात सुन रहा है। सब लोग बोल रहे हैं, ये पार्टी बोल रही है कि मैं वैकेंसी दूंगा, वो पार्टी बोल रहा है कि मैं वैकेंसी दूंगा, लेकिन सब बोलने के बावजूद यह कोई नहीं बोल रहा है कि मैं चोर को पकड़ूंगा, मैं दलाल को पकड़ूंगा, मैं क्वेश्चन आउट कराने वाले को पकड़ूंगा। तो निश्चित रूप से अगर जो पार्टी इस तरह की बात खुले मंच पर आकर बोलती है कि मैं तमाम तरह की परीक्षाओं में हो रहे धांधली में जो भी संलिप्त है, चाहे नेता हो, चाहे आईएएस हो, चाहे माफिया हो, चाहे कोचिंग माफिया क्यों ना हो, उनको पकड़ के भीतर करेंगे और स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ परीक्षा लेंगे, तो निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति में उस सरकार को हटाने की औकात ब्रह्मा विष्णु महेश में भी नहीं होगी। क्योंकि वादों का सीजन है, आपने पेपर लीक और इस तरह की बातों की जिक्र पहले ही कर दिया। अब पेपर लीक की समस्या जो है उसमें भाजपा जो है वो, केंद्र सरकार जो है वो संसद में एक लॉ जो है वो आया है पेपर लीक को लेकर, जमीन पर कितना उतरेगा हमें नहीं पता। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने मैनिफेस्टो में वादा कर रही है कि पेपर लीक से हम बचाएंगे, हम पर विश्वास कीजिए, जो आउटसोर्सिंग होती है वो हम नहीं होने देंगे। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स है, युवा वोटर्स है, वो किस तरफ जाए, उनके मन में तो ये दुविधा है ना। वोटर्स तो जिधर जाए उनकी मर्जी है, लेकिन मैं राहुल जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल जी आप कहाँ थे 10 साल माननीय
प्रधानमंत्री का बीजेपी की सरकार रही और 10 साल के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं हुई और इस परीक्षा में अनेकों बार क्वेश्चन आउट हुए, तो उस समय राहुल जी ने तो किसी तरह का मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया था। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बिल लाया कि अगर कोई इस तरह में लिप्त पाया जाता है तो 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। तो यह प्रयास तो माननीय प्रधानमंत्री का ही है। अब राहुल जी ने घूमने के बाद देखा कि लोगों के बच्चों के मन में इस तरह की अविश्वास फैल रही है, तो राहुल जी ने ये बात बोला है, उनकी बात को मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन इतना तय है कि इस तरह के गोरख धंधा में हर पार्टी के लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और जब इसमें जब ये काम उसी तरह संभव है जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री ने 370 को हटा दिया, 3 तलाक को हटा दिया, NRC के मुद्दा को हटा दिया, तो उसी तरह के जिजीविषा के साथ इनको इन दलाल और चोरों के विरुद्ध भी कड़ा खड़ा होना पड़ेगा। मैनिफेस्टो में आप कुछ दीजिए, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ अगर जो पार्टी देखना चाहती है तो इसको उसी तरह का प्रयास करना होगा जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। आप खुश हैं जो पेपर लीक को लेकर लॉ की बात कही गई है? 110% मैं खुश हूँ, चिल्ला चिल्ला के खुश हूँ, और मैं माननीय प्रधानमंत्री को 1000 बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह का कानून लाया है। अब उस कानून को पटल पर लाना है तो पटल पर लाए, आपको या तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार लाए, सब जगह यूपी में भी क्वेश्चन आउट हो रहा है, राजस्थान में भी आउट हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस तरह का कानून एक मील का पत्थर साबित होगा, आवश्यकता है इसको पटल पर उतारने की। मैं वही कह रही हूँ कि जमीन पर उतरना ज्यादा नहीं, तो लॉ तो पहले भी थे, कानून पहले भी थे, रूल्स नियम पहले भी बनाए जाते थे, आउटसोर्सिंग और तमाम चीजें पहले भी होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कड़ी में जाकर गड़बड़ी हो जाती और फिर पेपर लीक हो जाता, हजारों लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो लटक जाता। देखिए मैडम, एक बात मैं बता दूं कि दर्द का हद से ज्यादा बढ़ जाना दबा होता है, और जिस तरह की धांधली अभी हो रही है तमाम परीक्षाओं में, सिपाही हो, BSSC हो, दरोगा हो, BPSC हो, शिक्षक जो कि समाज के रीढ़ होते हैं उसमें हो, तो वैसी परिस्थिति में इस तरह का कानून जो लाया है इसको पटल पर लाना ही होगा, चाहे कोई पार्टी हो। सरकार जनता से बनती है, जनता सरकार से नहीं बनती है, तो जनता और छात्रों का 65% युवाओं का स्पष्ट रूप से ऐसा मानना है कि किसी भी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री ने जो कानून लाया है उस कानून को पटल पर लाना होगा। अगर कानून पटल पर आ गया तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि किसी की औकात नहीं है कि किसी भी दल को, जो दल इसको कानून को लागू करेगा उसको हटा दे। अच्छा, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो, वो ये कह रहा है कि भाई 10 साल आपको बीत गए, इतने पेपर लीक हो गए, और मैं तो ये कहूंगी कि ना सिर्फ केंद्र स्तर पे बल्कि राज्य, भले ही वो कांग्रेस शासित राज्य हो या भाजपा शासित, हर जगह ये गलती जो है, गलती नहीं ब्लंडर कहेंगे इसे, ये हुआ है। तो इसमें जब हम इसको पॉलिटिकल चश्मों से देखते हैं तो आपको दोनों में से कोई भी उससे अलग नजर आता है क्या? नहीं, एक बात बता दूं आपको, मैं ये 1994 से मैं पढ़ा रहा हूँ, पार्ट वन से मैं पढ़ा रहा हूँ, और आज 2024 है, कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है, चाहे सरकार किसी की रही हो, राजद की हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की रही हो, वही प्रत्येक परिस्थिति में मैंने देखा है कि क्वेश्चंस आउट होते रहे हैं, छोटी मछली पकड़ी जाती रही है, बड़े मछली को अभी तक पकड़ने का प्रयास नहीं किया गया या नहीं पकड़े गए। मैं तो यही कहूंगा कि चाहे सरकार जिसकी भी हो, अगर युवाओं की भारत है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मगरमच्छ को पकड़ना होगा, और मगरमच्छ जो पकड़ता है, बच्चों के हित में जो कार्य करता है, बच्चे उसी के। मगरमच्छ कौन है? लेकिन मगरमच्छ नेता भी हो सकते हैं, मगरमच्छ IAS अधिकारी भी हो सकते हैं, मगरमच्छ बड़े बड़े माफिया भी हो सकते हैं, मगरमच्छ बड़े बड़े कोचिंग माफिया भी हो सकते हैं। आप देखिए ना, डॉक्टर बनाइएगा, नीट का क्वेश्चन आउट हो गया, आप दूसरे एक तरफ नीट का क्वेश्चन आउट हो गया और दूसरे तरफ आप कह रहे कि नहीं आउट नहीं हुआ, जाँच हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कैंची छोड़ने वाले डॉक्टर की जरूरत है या वास्तविक डॉक्टर की जरूरत है? तो निश्चित रूप से एक मगरमच्छ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी तमाम एजेंसी को यह आदेश दीजिए कि चाहे मगरमच्छ कोई हो, उसको जेल के सलाख के भीतर में लाइए, और माननीय प्रधानमंत्री ने जो कानून लाया है उस कानून को इंप्लीमेंट कीजिए, ताकि किसी की दोबारा हिम्मत नहीं हो, दुस्साहस नहीं कर सके कि छात्रों के साथ अहित हो।
महंगाई बढ़ी है, निश्चित रूप महंगाई बढ़ी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा बिना किसी पार्टी के होने के नाते कि सब कुछ हुआ है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन एक बात तय है कि पहले के अपेक्षा अब निश्चित रूप से समाज में शांति की स्थिति कायम हुई है कि एक खुमचा वाला भी आराम से खा रहा है, पी रहा है और जी रहा है, लेकिन छात्रों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, यह कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने आपने महंगाई की बात की, मैं उसमें बेरोजगारी की बात जोड़ूंगी। लगता है देश में बेरोजगारी है उस स्तर की, लगातार विपक्ष हमलावर है। 100% बेरोजगारी है, और मैं तो कहूंगा कि बिहार इस मामले में अव्वल है जहां पर रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार यहाँ सिपाही का दिया गया हो 21,391, दरोगा लगातार दे रहा है, सचिवालय सहायक वैकेंसी निकली, टीचर 3-3 लाख बहाली हुआ, यहाँ हुआ, लेकिन केंद्र स्तर पर पूरे भारत स्तर पर बेरोजगारी है, 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 और इसके पर ध्यान सरकार को देना होगा, माननीय प्रधानमंत्री को ध्यान देना होगा और तमाम राज्य के मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई 10 साल तो दिए आपको, बेरोजगारी आज भी उतना बड़ा मुद्दा है, विपक्ष उस पर सबसे पहला बड़ा सबसे बड़ा मोर्चा जो खुला हुआ है बेरोजगारी पर खुला हुआ है विपक्ष ने, तो कह रहे 10 साल का आपको वक्त दिया, आपने उतना काम किया नहीं किया उस पर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फलाना को चुनिए, फलाना की सरकार बनाइए, लेकिन एक बात तो मैं बताऊंगा कि 1947 में देश आजाद हुआ, धारा 370 हटाने वाला कौन, NRC लाने वाला कौन, 3 तलाक जैसे मुद्दे को समाप्त करने वाला कौन, तो बेरोजगारी भी समाप्त करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री को किया जाए, क्योंकि वर्तमान में देश को जिस तरह के प्रधानमंत्री की आवश्यकता है वो नरेंद्र मोदी है। ये मैं पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा एक गुरु होने के नाते मुझे गुरु की उपाधि APJ अब्दुल कलाम ने दी थी, और इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि एक मौका प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं, वो ठान ले कि बेरोजगारी को दूर करना है, क्योंकि छात्र खुश नहीं है, बिल्कुल महसूस होती है तब ना। हम पर तो NIA का रेट पड़ गया, हम पर IB का रेट पड़ गया, हम पर इंटरप्रेस का रेट पड़ गया, लेकिन गुरु रहमान बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता है। और मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा, चाहे सरकार कहीं की हो, अभी सबसे बड़ी जरूरत है बेरोजगारी दूर करने की और महंगाई पर कंट्रोल करने की, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी जो अपना कार्य कर रही है वो अन्य दिशा में बहुत बेहतरीन काम है, बेरोजगारी और महंगाई की दिशा में काम सराहनीय नहीं। लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वैसे वो बेहतर प्रधानमंत्री हैं। निश्चित निश्चित, अभी नरेंद्र मोदी के कंपैरिजन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे प्रधानमंत्री के लाइन में खड़ा किया जा सके। विपक्ष तो कह रहा है कि भाई राहुल गांधी टक्कर में है कि नहीं, असंभव नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल जी से मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मुझे डर नहीं है, आप नरेंद्र मोदी के बराबर नहीं है, नरेंद्र मोदी के बराबर आप क्या, कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के बराबर नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए एक सुटेबल व्यक्ति होना चाहिए और वो हमारे नरेंद्र मोदी है। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की अगर आप खूबियां बताना चाहें, आपने काम उनके गिनवाए, आपने कहा कि 370 हटाया, उसके अलावा आपने NRC का जिक्र किया, क्या खूबियां उनके व्यक्तित्व की आपको नजर आती? देखिए, पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी के समय तो खैर हम लोग बहुत याद नहीं उनकी क्रियाकलाप को, इंदिरा गांधी के बाद आज भारत पहली बार महसूस कर रहा है वैश्विक स्तर पर कि भारत में कोई प्रधानमंत्री है जो वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी एक बोर्ड और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अच्छा कैप्टन है, और इसको गुरु रहमान सैल्यूट करता है। केवल बेरोजगारी और महंगाई पर कंट्रोल करे, निश्चित रूप से दूसरा कोई उनके सामने टिकने वाला नहीं है। अच्छा, अब बात कर ले राहुल गांधी की, उनमें कोई खूबियां आपको नजर आती हैं? राहुल गांधी जी को तो मौका मिला नहीं है, और राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी है नहीं, तो राहुल गांधी जी थोड़ा सा परिपक्वता उनमें आ जाए बाद में, तो लोकतंत्र कोई भी हो सकता है, हम ही प्रधानमंत्री बन जाए तो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए राहुल गांधी जी से कहीं अधिक उपयुक्त मैं नरेंद्र मोदी को मानता हूँ, बहुत ज्यादा उपयुक्त मैं नरेंद्र मोदी को मानता हूँ, कि अभी नरेंद्र मोदी के कंपैरिजन में कोई भी नहीं है, ये मैं कहूंगा।
आपने अपना जिक्र कर दिया, महत्वाकांक्षा तो नहीं है ऐसी कोई? नहीं, प्रधानमंत्री, देखिए देखिए मैडम, प्रधानमंत्री बनना बनने का महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन एक बात तो मैं बता दूं कि मैं गुरु हूं और गुरुकुल खोल रहा हूं और बच्चों को पढ़ा के मैं तमाम काम कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई मौका दे ही दे तो मैं इतना बुड़बक भी नहीं हूँ कि प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, और निश्चित रूप से अन्य लोगों से अच्छा रहूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी तो खैर सर्वे सर्वा है, अच्छा रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे फिर बेरोजगारी की समस्या का जब प्रधानमंत्री बन? अगर राजा, देश का राजा जिस दिन चाह जाए कि बेरोजगारी समाप्त करना है, जिस दिन चाह जाए कि महंगाई पर कंट्रोल करना है, 24 घंटा नहीं लगेगा। लोग कहते थे कि 370 कैसे हटेगा, इम्पॉसिबल, हटाना, NRC कैसे होगा, लागू हुआ ना, 3 तलाक कैसे हुआ, लागू हुआ ना, 3 तलाक समाप्त हुआ ना, तो उसी तरह बेरोजगारी कैसे दूर होगी और महंगाई पर कंट्रोल कैसे होगा, जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जान जाएंगे, जाग जाएंगे, उस दिन ये सुहास हो जाएगा। जागे नहीं, मतलब अभी तक तो नहीं जागे हैं, इस मुद्दे पर नहीं जागे हैं। ऐसे तो भारत के नाम को सर्वोच्च सीमा पर पहुंचाने में नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और उनकी टीम ने। चलिए, प्रधानमंत्री की तारीफ भी की और बेरोजगारी पे एक बैलेंस व्यू भी आपने दिया। मैं गुरु हूँ, बेरोजगारी और महंगाई पर मैं बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि बजरंगबली को छोड़ के मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगती है, लेकिन नरेंद्र मोदी में जो विशेषता है उसकी भी मैंने चर्चा की, और अभी जो वर्तमान समस्या है बेरोजगारी, क्वेश्चन का लीकेज होना और महंगाई, उस पर भी बोलूंगा। निश्चित रूप से इसका निराकरण जरूरी है और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री करेंगे इसको। अच्छा, क्योंकि आपने बजरंगबली का भी जिक्र किया, राम मंदिर का प्रभाव आपको दिखाई देता है इन चुनावों पर? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि राम मंदिर में 600 लोगों को इनवाइट किया गया था, मुझे माननीय प्रधानमंत्री ने खुद इनवाइट किया था, इसलिए मैं नहीं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मुझे इनवाइट इसलिए किया गया था कि मैं कार सेवक भी था और आपको ये उसमें चंदा भी दिया था मैंने, अब देखा भी मैंने, तो राम तो सबके है ना, राम किसी पार्टी के बपौती नहीं है, ये भाजपा के हैं, राजद के हैं, भगवान सबका है। तो राम मंदिर का प्रभाव इस रूप में है कि माननीय नरेंद्र मोदी ने राम, श्री राम लला की मूर्ति को स्थापित कर दिया, ये सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी दूर कर दें, महंगाई पर कंट्रोल कर लें, और जो चोर दलाल हर परीक्षा में सेंध लगा रहे हैं उस पर नियंत्रण कर दें, और ये कर सकते हैं, इसलिए इनसे अपेक्षा करके मैं बोल रहा हूं, ये कर सकते तो फिर बहुत बड़ा होगा। राम मंदिर का प्रभाव मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इलेक्शन पर है, लेकिन अगर कुछ लोग को लगे तो लगे, लेकिन तमाम लोगों की एक ही समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा में लीकेज, और सबसे महत्वपूर्ण इन 3 चीज को लोग समाप्त कर दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। युवाओं से जुड़ा एक और मुद्दा है, अग्निपथ योजना का। अग्निपथ योजना जब से आई विपक्ष ने उसका विरोध करना शुरू किया, सड़कों पर छात्र आए, उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, अब तक उसमें कुछ खास बदलाव या फिर जो अपोज हो रहा था उसको लेकर कुछ, और खासतौर पर मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पर, जो 1.5 लाख वो युवा हैं, आप लोग जानते होंगे कि 1.5 लाख युवा हैं जिनकी भर्तियां जो है वहीं की वहीं रद्द हो गई, जिनका हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था वो वहीं का वहीं रह गया, तो वो कितना सही है? देखिए, अग्निवीर योजना पर मैंने भी बोला था और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ा, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अग्निवीर योजना पर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस पर विचार हो रही है और इसमें जल्द ही संशोधन होगा, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने किसी न किसी सोच के तहत, क्योंकि हमारी सेना हमेशा लड़ती नहीं रहती है, तो वैसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ इसमें सुधार करने जा रहे हैं। और आपको बता दें हम कि सरकार बनते के साथ अग्निवीर के क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री सुधार करेंगे, और आज भी आपको गांधी मैदान चल जाइए, कहीं भी चल जाइए जहां दौड़ने की जगह है, अग्नि 4 साल का ही क्यों ना हो, लड़के बेचैन है कि हम अग्निवीर में शामिल हो, तो निश्चित बेरोजगारी दूर करना है सबसे बड़ी परिणाम मैडम, मुद्दा है बेरोजगारी, बेरोजगारी दूर करवा दीजिए, चाहे वो किसी माध्यम से करवा दीजिए, वो उचित रहेगा। लेकिन जो हम अग्निपथ योजना की बात कर रहे थे, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कि आप कह रहे हैं कि भाई सरकार में जब दोबारा अगर शपथ ले लेते हैं प्रधानमंत्री तो उसके बाद कुछ बदलाव या फिर कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि अग्निवीर योजना में संशोधन होगी। अब क्या संशोधनों की माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना जो है वो उसमें संशोधन होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यह ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये पुराना न्यूज है जो आज मैं ब्रेकिंग के रूप में बता रहा हूं।
रहना चाहिए, पुराना न्यूज है जो आप ब्रेकिंग बता रहे हैं। चलिए अगर ऐसा है तो देखा जाएगा, अगर दोबारा से सरकार में आते हैं प्रधानमंत्री। नहीं नहीं, अगर की बात छोड़ दीजिए मैडम। अच्छा, अगर कोई बड़ी नहीं है, मतलब स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य न हूं, उसके बावजूद बोल रहा हूं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, ये मैं दावे के साथ लिख लीजिए। मैं जिसके माथे पे लिखता हूँ ऑफिसर बनता है। तो आज मैं कह रहा हूँ कि अगला प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी है, क्योंकि देश को जरूरत है। पंजाब पाकिस्तान जैसा पिद्दी देश हमको खोदता रहता है, अब औकात है किसी की? किसी की औकात है? नहीं है। तो निश्चित रूप से बीजेपी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है वह बहुत सराहनीय है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और चोरी चमारी के चक्कर में इसमें कमी हुई है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री ने उसके लिए बिल भी लाया है। इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि इसको इम्प्लीमेंट करके इस दिशा में हम लोग पहुंचे, छात्रों को नौकरी मिले, चोर अंदर जाए और साथ ही साथ महंगाई पर कंट्रोल हो, ताकि गरीबों को जिंदगी मिल सके। आपने इस बीच में कहा कि मैं जिसके माथे पर लिख देता हूँ, अब तक कितनों के माथों पर लिखा, कितने जो है वो खाकी वर्दी पहनकर? 7826 तो केवल दरोगा हमारे पास है। अच्छा, 167 DSP है, 10 IPS है, 9 IAS है, 9 IAS है, और आपको पता नहीं अन्य कितना फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने जिसके जिसके माथे पर लिखा है वो बना है। तो इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के माथे पर भी एक एक, एक मतदाता लिख रहा है कि अगला प्रधानमंत्री भी वही है, वही है, वही है, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, ये हम कह सकते हैं। दूर दूर तक कोई भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता, कोई नहीं। मायावती जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, किसको बोल रही है आप? नीतीश जी को किसको बोल रही है? एकमात्र व्यक्ति है जो शेर की तरह दहाड़ता है पूरे वैश्विक स्तर पर, वह नरेंद्र मोदी है, 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 इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, मान लिया आपके बाद नरेंद्र मोदी है, लेकिन ये इसलिए है कि क्योंकि लोग उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं, या फिर इसलिए भी है क्योंकि दूसरा कोई विकल्प शायद नहीं नजर आ रहा है? हाँ, या दोनों बातें? बिल्कुल सही बात है, एक तो विकल्प नहीं है, एक सही बात है कोई विकल्प नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी के कुछ कार्य को किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं ठहराया जा सकता है। मैं बार बार 370 की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार 3 तलाक की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार NRC की बात कर रहा हूँ। 1947 में देश आजाद हुआ और अब तक क्यों नहीं हटा, क्यों ये प्रधानमंत्री हटाने में सफल है? नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी इस तरह की है कि लोगों में प्रिय है, लोकप्रिय है, और उनके प्रतिद्वंदिता में कोई नहीं है, ये तो 100% स्पष्ट है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तीसरी टर्म भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। उधर इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि भाई हम तो एक साथ मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं देश भर में, कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। जब एक अनार होता है, 100 को बिना बीमार हो जाता है ना, तो वैसी परिस्थिति में सब बोलता है कि हम इंडिया गठबंधन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन पहले ये तो डिसाइड करें कि आपके प्रधानमंत्री कौन, ये तो डिसाइड करें, केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, मायावती जी, ममता जी, कौन है आपके प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव जी कौन है प्रधानमंत्री? लेकिन इधर तो डिसाइडिंग है गेम, जब वहां पर अभी ये हाल है कि ये इधर उठ के भाग रहा है, उधर उठ के भाग रहा है, तो उस परिस्थिति में मैं देश के हित की बात सोचते हुए बोल रहा हूं कि अभी देश को माननीय प्रधानमंत्री की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी एक और जरूरत है कि बेरोजगारी दूर करें, महंगाई पर नियंत्रण करें, और चोर जो क्वेश्चन लीक करा रहे हैं उनको अंदर करें। अच्छा, एक और नाम चर्चा में है, बिहार का ही वो नाम है, कन्हैया कुमार। दिल्ली में बहुत ज्यादा चर्चा है, नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, दम नजर आता है कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार मेरा स्टूडेंट है। अच्छा, और कन्हैया कुमार स्टूडेंट है और JNU से है, और निश्चित रूप से कन्हैया कुमार एक योग बच्चा है, और कन्हैया कुमार की सोच वास्तविक भारत की सोच है। निश्चित रूप से कन्हैया कुमार को चुनाव जीतना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और चुनाव वो जीतेंगे भी, कन्हैया कुमार में दम है, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने की आप बात कही है तो वो किसी भी, अभी किसी में शक्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जगह ले ले। लेकिन वो लगता है कन्हैया कुमार का पिछला, आपने देखा कि बेगूसराय से हारे थे चुनाव, नहीं नहीं, इस बार दूसरा दाव जो है वो लगाया दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो दिल्ली में जो दाव लगा है, तो दिल्ली में जो जहाँ दाव लगा है उनका, उनकी कर्म भूमि रही है, पढ़ाई की भूमि रही है कन्हैया कुमार की दिल्ली में, और कन्हैया कुमार की कोई भी बात
जो होती है वो गरीबों को लेकर होती है। तो ऐसी परिस्थिति में कन्हैया कुमार अगर जीतते हैं तो मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी क्योंकि एक तो सबसे बड़े बात कि हमारे छात्र हैं, दूसरे सबसे बड़ी बात कि वो गरीबों के बारे में सोचते हैं, तो ये हमारे लिए खुशी का विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, जीत सकते हैं कन्हैया कुमार आपको लगता है? हाँ, मुझे लगता सामने मनोज तिवारी है जिनका सिर्फ एकमात्र ऐसे दिल्ली के एमपी है जिन्हें रिपीट किया गया है, बाकी सबका टिकट काटा गया। देखिए, मनोज तिवारी भी हमारे सीनियर है, हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे सीनियर है। मनोज तिवारी से भी हमारी दुश्मनी नहीं है और ना कन्हैया कुमार से कोई, कन्हैया कुमार से कोई मेरा सिर से ही है तो उसके विरुद्ध मैं दुश्मनी कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है, वेदर द क्वेश्चन अराइज अबाउट द थाउट, जो गरीब के बारे में सोचे, भारत के तमाम उन लोगों के बारे में सोचे जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा है, तो वैसा सोच कन्हैया रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब चुनाव है, जनता किधर पलटती है, क्या करती है, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। अच्छा अच्छा, कन्हैया कुमार से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल ये भी पूछूंगी, आप प्रधानमंत्री मोदी, उनके काम, उनके सरकार की इतनी तारीफ कर रहे हैं, कन्हैया कुमार को क्या उधर चले जाना चाहिए था फिर, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, कन्हैया कुमार जहाँ है वहाँ पर ठीक ठाक है, लेकिन कन्हैया कुमार को हमेशा इस बात को याद दिलाना होगा, सरकार को दिलाते रहना होगा, जो कि दिलाते रहते हैं कि ये गलत हो रहा है। और निश्चित रूप से विपक्ष का सबसे बड़ा काम होता है कि वह गलती को सरकार के सामने रखे, और सरकार का काम होता है उस गलती को सहर्ष स्वीकार करके उसका निराकरण करे। अच्छा, और कन्हैया इसमें एक्सपर्ट है, वह सरकार की गलती को या किसी भी तरह गलती को सरकार के सामने में रख सकते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैंने बोरा पर पढ़ाया उस बच्चा को, इसलिए उस बच्चा के थॉट को मैं जानता हूं। और जो लोग तरह तरह की बात उठा देते हैं कि देशद्रोह की बात, तो इतना बात याद रखिए कि जितना देश से प्रेम मुझे है, जितना देश से प्रेम माननीय प्रधानमंत्री को है, उतना ही देश से प्रेम कन्हैया कुमार को भी है, क्योंकि कन्हैया भी इसी भारत माता का संतान है और निश्चित रूप से अगर गरीबों की आवाज उठा रहा है तो सैल्यूट योग है जी। अच्छा, हम जहां भी लोकसभा कवरेज के लिए, बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, जहां भी गए, वहां पे एक चीज देखने को मिली कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर कैंडिडेट को लोग नहीं देख रहे, कैंडिडेट भले ही कमजोर हो उनकी नजर में, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि वोट तो हमारा मोदी को जाएगा या फिर वोट तो हमारा यहाँ जाएगा, यानी कि क्षेत्रीय चेहरा ना देखकर लोग बड़ा चेहरा देख रहे हैं आजकल। आपको ऐसा लग रहा है कि इस दिशा में पूरा चुनाव जो है बढ़ता जा रहा है? आपके सारे इंटरव्यू का सार में मैं तो मैंने एक ही बात बोला कि अब तक भारत में इंदिरा गांधी के बाद अगर भारत को कोई प्रधानमंत्री मिला है, वाजपेयी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, तो वह नरेंद्र मोदी है, जो नरेंद्र मोदी ने पूरे वैश्विक स्तर पर भारत की मान सम्मान को बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से अगर मोदी जी को देख के लोग वोट दे रहे हैं तो मोदी जी की भी चलती है, अमित शाह की भी चलती है, तो निश्चित रूप से अगर उनको देख के वोट दिया जा रहा है तो काम भी वो लोग उन्हीं के अपने हिसाब से करें। और केवल मैं बता दूं मैडम आपको कि बेरोजगारी को समाप्त करें, महंगाई को कम करें, जितने चोर और दलाल क्वेश्चन आउट करा रहे हैं उन पर रोक लगा दें। नरेंद्र मोदी को हटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है अभी तक, आने 10 साल बाद क्या होगा आई डोंट नो। अच्छा, बिहार ने पिछले सालों में प्रदर्शन देखे आरआरबी के एग्जामों को लेकर, जब पहले तो भर्ती अटक गई, उसके बाद जब हुई तो उसमें तमाम तरह की बातें थी, उस पर सरकार ने कुछ पहल भी अपनी तरफ से की थी, उसका क्या हुआ है अब तक, अगर अपडेट आपसे लें? सबकी भर्ती, ये सही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का हर कार्य सराहनीय है, लेकिन रोजगार के दिशा में रेलवे की बहाली हो तो, आपको सीजीएल की बहाली हो तो, अन्य क्षेत्रों की बहाली के दिशा में, बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। उसी ठोस प्रयास को करने की आवश्यकता है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। बोले ना, जिस दिन बेरोजगारी दूर हो गया, जिस दिन महंगाई पर नियंत्रण हो गई, और जिस दिन ये चोर दलाल जो क्वेश्चन आउट कराते भीतर चले गए, तो ये उस दिन कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि सरकार को हटा दे, क्योंकि तीसरा कोई हमको प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और ये चोर दलाल की जो पौवा हो गई है, वही सबसे खतरनाक चीज है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री को नजर रखना होगा। अच्छा, मतलब मैं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा भी हो गए आपको देखकर,
आप ये बताइए कि कितनी कौन सी सरकारी भर्ती ऐसी हैं जो काफी सालों से आई ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात तो रेलवे की बहाली आनी चाहिए, 2 करोड़ आपने बोला था 2019 में आई थी, उसके बाद बहुत सारा हिंसा प्रदर्शन हुआ, आपने उसके बाद 56,000 की जगह पर 5600 सीट दिया। बहाली वास्तव में केंद्र सरकार के द्वारा बहाली निकाली ही नहीं गई है, यूपीएससी तो अपना रूटीन है वो निकालता है, लेकिन अन्य बहाली नहीं निकला है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक मतदाता होने के नाते कि बहाली निकालिए, महंगाई पर कंट्रोल कीजिए और चोर दलाल को अंदर कीजिए, और जो भारत के विरुद्ध सोच रहा है उसको कबाड़, जिस तरह कबाड़ रहे कबाड़ते रहिए, फिर आपको हटाने वाला कोई नहीं। और जो ये कह रहे हैं 400 पार, उसका क्या? 400 पार पर मैं नहीं बोलूंगा, ये तो एक युवा है, ये तो जनता के मन में क्या है वो नहीं जानता है, लेकिन इतना तय है कि 400 पार तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 300 पार तो निश्चित रूप से बीजेपी का है, ये श्योर है। और गठबंधन का? गठबंधन का होगा, जो बचाओ गठबंधन ले बचा कुछ आया, मतलब ये आप कह रहे हैं ना, देखिए आप ही सोचिए, आप इतने बड़े चैनल की कोई आप इंटरव्यू ले रही हैं, आप सोचिए कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग सोच सके, आपके पास जवाब है? आप बताइए हमको किसको, अखिलेश जी को, ममता जी को, मायावती जी को, किसको हम लोग बोले कि वो प्रधानमंत्री लायक है? राहुल जी को? मुझे नहीं लगता, विकल्प नहीं है, आप कह रहे हैं कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अभी वर्तमान में इनकी जरूरत है, केवल एक जरूरत दूर करने की है, वो है कि आप बेरोजगारी दूर कर दीजिए, जितना नौकरी बोले हैं नौकरी दे दीजिए, महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो परीक्षा में चीटिंग हो रही है उस पर जो आपने कानून लाया है उस कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए, और नासा उन लोगों पर लगना चाहिए जो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देते हैं तो आने वाला और पिछले आने वाला 25 साल में कोई ऐसा करने वाला नहीं होगा। अच्छा अच्छा, अंत में मैं बस कुछ नाम आपके सामने रखूंगी, बहुत गर्मी है, आप पसीना पोंछ सकते हैं। नहीं नहीं, पसीना आपको आता है। अच्छा, कुछ नाम आपके सामने मैं रखूंगी, आपके मन में जो भी शब्द आ रहा है वो आप कह सकते हैं। सबसे पहले अगर बोलूं प्रधानमंत्री मोदी का ही नाम सबसे ज्यादा जिक्र उन्हीं का हुआ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लायक है। एक शब्द? यस, ही इज परफेक्ट। परफेक्ट? या। अच्छा, राहुल गांधी? अभी नहीं। तो कब? वक्त आएगा तब, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक राहुल गांधी उनका कोई विकल्प नहीं हो सकता। कुछ तो अच्छा लगता होगा उनके विकल्प। अरे भैया, जो आदमी गांव के बारे में नहीं जानता वो भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? जो धान के बारे में नहीं जानता वो कैसे बनेगा? तो अभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक गुरु होने के नाते, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। कन्हैया कुमार के गुरु इस वक्त वही बने हुए हैं, लेकिन कौन? राहुल गांधी। कन्हैया कुमार का गुरु गुरु रहमान हो सकता है, राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं। कन्हैया कुमार राहुल गांधी से ऊपर की चीज है, ये मैं कहूंगा। अच्छा, कन्हैया कुमार राहुल गांधी से ऊपर की चीज है, क्योंकि मैं उसकी योग्यता को जानता हूँ, उसकी डेडिकेशन को जानता हूँ, गरीबों के प्रति उसकी सोच को जानता हूँ, तो निश्चित रूप से कन्हैया इज द बेस्ट पर्सन। मैं तो कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा उम्मीदवार है लोकसभा में MP के लिए, जो कन्हैया कुमार है, लेकिन राहुल गांधी उनके गुरु बन जाएंगे। नहीं, कांग्रेस तो कह रही है कि राहुल गांधी भी गांव-गांव गए हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा उन्हें भारत जोड़ो की, उसका कुछ इंपैक्ट नहीं है। 5,000 किलोमीटर यात्रा करिए ना प्रभु, आपने कब एस्टूडेंट के बारे में आवाज उठाई? जब पूरा भारत धधक उठा तब। रेलवे के बारे में आप बोल नहीं रहे थे, बेरोजगारी के दूर करने के बारे में बोल नहीं रहे थे, आप महंगाई के बारे में खाली ये बोल रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करने से काम नहीं चलेगा। स्पष्ट रूप से राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है। ठीक है, अगला नाम कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार इज द बेस्ट पर्सन, नॉट फॉर पीएम, सांसद के लिए वो अच्छा व्यक्ति। मनोज तिवारी हार जाए चलेगा? नहीं नहीं, हार जाए जीत जाए तो जनता के हाथ में है, लेकिन मनोज तिवारी भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कन्हैया कुमार अगर जीतता है तो निश्चित रूप से गरीबों के बारे में सोचेगा। अखिलेश यादव के बारे में मुझे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उनको गर्मी में चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे, तो मुझे लगता है कि वही व्यक्ति चुना जाए जो कि गर्मी हो या ठंडा हो, जनता के लिए हमेशा मरता हो,
वही हो। अखिलेश यादव भी किसी भी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं है। अब प्रधानमंत्री के श्रृंखला में अगर उनको ला रही है तो ये गलत है भैया। नहीं नहीं, वो सवाल तो वो था भी नहीं, मायावती। नहीं नहीं, मायावती भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर प्रधानमंत्री के उसको नहीं है, जो आपके मन में शब्द आ रहा है पर्सनालिटी को, मायावती जी बोल्ड लेडी, बोल्ड है। आजकल समझ गई है कि उनकी बोल्डनेस जिस वजह से थी उसको जनता समझ गई है, इसलिए गायब है। अच्छा, ममता बनर्जी एकमात्र मुख्यमंत्री है पूरे देश में। ममता बनर्जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि वो शेरनी है, शेरनी है, लेकिन प्रधानमंत्री लायक नहीं। वेस्ट बंगाल को संभाल नहीं है, वेस्ट बंगाल को अच्छा संभाल सकती है, जारी रह सकता है उनका कार्यकाल, ये तो वेस्ट बंगाल की जनता जाने। लेकिन ममता बनर्जी में के मैं पर्सनल किसी तरह की बुराई नहीं देखता हूँ और नहीं सोचता हूँ, क्योंकि वो कास्ट और धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करती है। गरीब अमीर की अगर पॉलिटिक्स करती है, गरीब अमीर की, तो अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए, क्योंकि गरीबी बहुत खराब चीज, बहुत बड़ा अभिशाप है, उसको दूर करने की बात करती तो अच्छी लेडी है और मैं सम्मान करता हूँ। प्रियंका गांधी, ना ना किसी परिस्थिति में क्या क्या शब्द आ रहा है उनको लेकर। प्रियंका गांधी के बारे में यही लग रहा है कि शो केस में रखी हुई एक गुड़िया, जब जब चुनाव होता है तब उस गुड़िया का प्रदर्शन किया जाता है। चुनाव लड़ना चाहिए था उन्हें। हाँ बिल्कुल, अगर उनमें था कि मैं उस योग हूँ तो चुनाव लड़ना चाहिए था। चुनाव नहीं लड़ रही है, इसका मतलब कि वो इस बात को जान नहीं है कि मैं लड़ूंगी तो हार जाऊंगी। रायबरेली से इस बार राहुल गांधी मैदान में उतरे, सही डिसीजन है, क्योंकि अपेक्षा की जा रही थी कि अमेठी से स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी हो सकता है, लेकिन वहां से ना लड़कर लड़ रहे हैं रायबरेली से। देखिए, रायबरेली हुआ या अमेठी हो, ये कांग्रेस का उन लोगों के पूरे खानदान का सीट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसलिए अच्छा है, क्योंकि ये कम से कम जनता को दिखाने के लिए रहेगा कि राहुल गांधी हमेशा केरला चले जाते हैं अमेठी से हारने के बाद, तो निश्चित रूप से अगर रायबरेली से जीतते हैं तो ये पता चलेगा कि राहुल गांधी के प्रति जनता का कितना लगाव बढ़ा है। ये अच्छा ही डिसीजन है उनका, लेकिन दोनों जगह से उन्होंने चुनाव नामांकन पत्र भरा है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है कि एक ही जगह से भरे हैं, बनारस से। तो ये राहुल गांधी अच्छे हैं, सांसद के लिए ठीक हैं, लेकिन अभी उस योग नहीं है कि वो उनकी तुलना मोदी से किया है। सोनिया गांधी, नहीं नहीं, सोनिया गांधी कोई भी लड़की, आप खुद लड़की हैं, चाहे उसका ससुराल कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अपने नैहर को भूलती नहीं है। सोनिया मैडम अच्छी है लेकिन बूढ़ी हो गई है, उनको उससे क्या हुआ, तो उनको नहीं लग रही है सोनिया गांधी प्रधानमंत्री लग रही है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इतने साल उन्होंने यहाँ पर बिताए, आपने कहा कि वो कभी बिता के क्या किया भाई, अपने बिता होना चाहिए था और ज्यादा। हाँ तब बिता के आपने किया क्या, आपने कहाँ बेरोजगारी दूर कर दिया, आपने कहाँ गरीबी दूर कर दिया, आपने कहाँ महंगाई दूर कर दिया, आपने कहाँ किसी भी तरह की समस्या को दूर किया। सोनिया गांधी बिता दे जिंदगी बिता दे यहाँ, लेकिन उन्होंने किया क्या इस बात पर डिपेंड करता है। इसलिए सोनिया गांधी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित, बहुत ज्यादा क्या, मैं प्रभावित ही नहीं रहता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ गुरु रहमान यहाँ पर मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत की लोकसभा चुनावों को लेकर। खुलकर अपनी राय जो है वो उन्होंने रखी, कई बार लोग झुझकते हैं लेकिन खुलकर अपनी राय जो है उन्होंने रखनी चाहिए, डंके की चोट पर अपनी बात कही। आप लोगों का इस पर क्या कहना, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक पटना।